दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हो कि बेलपत्र चढ़ाने के भी कुछ नियम कानून होते हैं जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह से उनको वो फल नहीं मिल पाता जो वो एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्या वो नियम है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लाखों देवी देवता बताए जाते हैं और उनको खुश करने के लिए उतने ही तरह की पूजा होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को करेक्ट करो तो वो आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। उन्हीं में से एक है, जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है ललित शर्मा एंड वेलकम टू द धार्मिक एक्सप्लोरर्स। दोस्तों, कभी भी अगर आप बेलपत्र कहीं से तोड़ के ला रहे हो किसी पेड़ से, तो चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, सोमवार और संक्रांति के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। यस, सोमवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। बहुत सारे लोग सोमवार को फ्रेश तोड़कर लाते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आप चढ़ाइए जरूर, लेकिन सोमवार को तोड़ना मना होता है। एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो भी अपना बेलपत्र होता है उसकी जो चिकनी सतह होती है उसको हमेशा भगवान शिव के ऊपर रखना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कैसे भी करके चढ़ा दो, नहीं, चिकनी सतह हमेशा भगवान शिव के ऊपर। आपने हमेशा देखा होगा मंदिर में शिवलिंग और नंदी महाराज की प्रतिमा एकदम बिल्कुल सामने सामने होती है, तो अगर आप नंदी महाराज पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो जो उसकी जो बेलपत्र की डंडी होती है वो नंदी की तरफ होनी चाहिए और जो उसका पत्ता होता है वो भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए। और एक और चीज़ का ख्याल आपको हमेशा रखना है कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय या राम लिखकर ही बेलपत्र चढ़ाएं, उससे आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। और एक ऐसी बात जिसका लोग ज़्यादातर ख्याल नहीं रखते हैं, कभी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको तालियां नहीं बजानी है। तालियां बजाना बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को मंदिर में जाकर बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं। ताली इसलिए नहीं बजानी क्योंकि भोलेनाथ हमेशा ही अपनी योग निद्रा में, अपने योग में रहते हैं, तो जब हम ताली बजाते हैं तो उससे उनको डिस्टर्बेंस होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे जो पुराने लेख हैं उनमें भी लिखा हुआ है। कभी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, शांति से पूजा करें, उनको जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी सारी बातें समझ रहे हैं खुद से, लेकिन आपको उनको उठाना नहीं है, जगाना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।